everyone. Press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. देखिए लक्ष्मण रेखा का प्रोमो देखकर आप सोच रहे होंगे कि बहुत इंटेंस है, लेकिन ये इंटेंस नहीं है, इसका मुद्दा इंटेंस है। जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत लाइट हार्टेड तरीके से हम लोग बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ में वो मैसेज देने वाले हैं लोगों को, जो कि समाज में जो लक्ष्मण रेखाएं खींची गई हैं, समाज में जिस भी तरह की छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो लड़की का घर से 7 बजे बाहर निकलना हो, चाहे घूंघट की बात हो, चाहे वो आप घर के फंक्शन में म्यूज़िक रहे तो वहाँ डांस नहीं कर सकते, ये छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सब उन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, वहाँ बोला जाएगा। और एक ऐसा बड़ा मुद्दा जिसके बारे में हर एक आदमी जो है सोचता है, हर एक आदमी के लाइफ का हिस्सा है, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं कर पाता है, कुछ कर नहीं पाता है उस मुद्दे के बारे में। तो ऐसा ही हम एक मुद्दा उठाएंगे और वो मुद्दा समाज के सामने पेश करेंगे, उनको सोचने के लिए मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि क्या ये सही है और हमें क्या करना चाहिए इसके। एक्चुअली काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। कंचन स्ट्रॉन्ग है, शिवानी भी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, एंड मैं भी सबसे बड़ी हूँ अपने फैमिली में, एंड जो बट हाँ मैं उतनी ज़्यादा अपने फैमिली को इतना नहीं संभाल पाती जितना कंचन संभाल पाती है, सो आई कैन से कि थोड़ा बहुत तो है। एंड लक्ष्मण रेखा जैसे है, कंचन बिलीव नहीं करते, एंड मैं भी पर्सनली नहीं बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों में, बिकॉज इट्स ओके, आपको पता है आपको आपके सामने क्या सही है क्या गलत है, तो आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड मेरी फैमिली ने कभी लक्ष्मण रेखा मेरे लिए क्रॉस मतलब खींची नहीं है, तो मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। सीरियल में भी अपने आप इस जो मेरी बेटी है कंचन, उसके साथ में भी मेरा यही व्यवहार है कि वो मैं चाहता हूँ आगे बढ़े जिंदगी में, और उसके ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्मण रेखा ना हो और वो खूब तरक्की करे और ख्वाब देखे। लड़कियों को हम ख्वाब देने से रोकते हैं, ये सीरियल के अंदर जो मेरा कैरेक्टर है वो अपनी बेटी को बोलता है बेटी तुम ख्वाब देखो, उसको पूरा करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और कदम बढ़ाओ आगे। तो रियल लाइफ में भी हमें लड़कियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब सिर्फ ये कि वो इतनी रिस्पेक्ट करें, बाकी कंट्रोल लड़कियों को दे देना चाहिए कि हाँ कि वो हमें लीड करें कि पापा देखो मैंने ये किया है, और वी शुड फील प्राउड, मतलब अपने माँ बाप को वो ज़रूर गर्व महसूस करवाएंगी अगर आप उनको खुला छोड़ेंगे, उनके आगे की लक्ष्मण रेखाएँ मिटाएँगे। आई थिंक कि बहुत ही सही समय पर ये शो आ रहा है, जैसे हमारे देश में जो माहौल चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये शो बहुत पहले भी आ जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए, ताकि आगे ये शो के ज़रिए कुछ तो बदले, ये हमारी आशा है, क्योंकि इस शो में बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश है, आगे चल के बहुत कुछ आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं जो बहुत ही सोशली रेलेवेंट हैं हमारे आज के मुद्दों पर, तो ये शो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी लक्ष्मण रेखाएँ हमें नहीं चाहिए जिसके द्वारा हम अपने बहू बेटियों और हमारी गर्लफ्रेंड्स पर या बहू या बेटियाँ हो या वाइफ्स पर हम एक अननेसेसरी दबाव हो, एक प्रेशर हो, और वो अपने पंखों को खोल कर आसमान में उड़ ना सके, अपने सपनों को पूरा ना कर सके, ऐसी लक्ष्मण रेखा का क्या फ़ायदा। हम जब देखते हैं बाकी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में, हाँ कभी कभी हद तक वो बहुत एक्सट्रीम्स में चले गए हैं, तो वो भी सही नहीं है, मेरे हिसाब से एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे देश में वो बैलेंस बन सकता है, क्योंकि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं काफ़ी हद तक, जैसे हमारा मुंबई शहर है, थैंक गॉड फॉर मुंबई, क्योंकि मुंबई में हम रात के 4 बजे 3 बजे कहीं भी घूम फिर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, हम घर लेट अकेले लड़कियाँ लौटती हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो थोड़ा सा डर भी क्यों है, वो भी नहीं होना चाहिए। विश्व भर में औरतें कब ऐसे जी पाएंगी कि बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के खुले में सांसें ले सकें, तो हमारा बस प्रयास यही है शो के द्वारा कि कहीं ना कहीं ये बदलाव हमारी सोसाइटी में आए और ये लक्ष्मण रेखाएँ बन जाए। ओके, ऐसे पहले भी बहुत सारे शोज़ देखे जो समाज में जो मुद्दे हैं उनको वो शोज़ उठाते थे, लेकिन
कहीं ना कहीं फिर भी वो बदलाव नहीं नज़र आया सोसाइटी में जो वो लाना चाहते थे वो शो. तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस शो दैट विल ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी? ऐसा नहीं कह सकते कि बदलाव नहीं आया है. आई एम श्योर कि बदलाव मे बी ऑन अ मास लेवल नहीं आया होगा, बट लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है क्योंकि टेलीविजन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडिया. मैं कहीं कहीं छोटे शहरों में जाती हूँ तो लोग देखते हैं, पता है उसमें वो शो में ऐसा हुआ था, वो तो ऐसा कहती है. लोग एक्चुअल कैरेक्टर से बहुत जुड़ जाते हैं, लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं कैरेक्टर्स को लेकर. तो अगर इस शेर में मीडियम के द्वारा अगर हम ऐसे संदेश बार बार लोगों तक पहुँचाएंगे, हमें हारना नहीं है. हमें मीडिया का सही इस्तेमाल करना, मतलब मीडिया का सबसे सही इस्तेमाल है, टेलीविज़न का सबसे सही इस्तेमाल नहीं हो. क्योंकि वक्त आ गया है कि हम टेलीविज़न सिर्फ टिल्टिलेट ना करें और लोगों को सिर्फ कितनी मस्ती होती है. फर्स्ट डे ऑफ जो शूट था उसका एक्सपीरियंस क्या था? मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट बहुत अच्छा गया, थैंक्स टू माई सन जो मेरा बेटे का किरदार कर रहा है, राहुल विशेष का किरदार जो प्रिंस चार्मिंग है शो में. मैं उसकी बड़ी रानी, उसकी माँ दिव्यानी ठाकुर. तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि विशेष इज़ वेरी रिलैक्स, लेड बैक, फुल ऑफ लाइफ. एंड आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्लैड कि वो मेरे बेटे का रोल कर रहा है. बिकॉज इट मेक्स यू फील सो हैप्पी, इट मेक्स यू फील सो एट ईज. बहुत फ्रेंडली है और मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रैपो बन गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज हमारा जो रिश्ता दिखा है शो में माँ बेटे का, वो बहुत ही वार्म, बहुत डीप और बहुत ही डिफरेंट, मोर लाइक अ फ्रेंडली एंड.